नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त संतोष बिश्नोई एक बार पुनः आप सभी के बीच एक नया टेस्ट लेकर के हाजिर हो चुका हूं। दोस्तों, 12:15 पर प्रतिदिन राजस्थान भूगोल का टेस्ट हम लेते हैं। आज आपके सामने 24वां टेस्ट लेकर के आ चुका हूं। बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चन को आपके सामने रखूंगा और आपसे उम्मीद करता हूं कि वीडियो में शुरू से लेकर अंतिम समय तक प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट्स बॉक्स में देंगे। उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करेंगे ताकि अधिकतम विद्यार्थी हमसे जुड़ सके, इसका लाभ उठा सके। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंत में हम कल शाम को जो प्रश्न पूछा गया था उस प्रश्न के बारे में भी बात करेंगे। जो भी विद्यार्थी इस प्रश्न का जवाब दे के आए हैं उन सभी के बारे में हम बात करेंगे और एक नया क्वेश्चन चैलेंजिंग प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा। दोस्तों, आज राजस्थान भूगोल का ये 24वां टेस्ट, इसमें हम टैक्स असिस्टेंट का ये जो पेपर हुआ था कर सहायक का 14/10/2018 को, इस पेपर में जो भी क्वेश्चन है हम उनको देखेंगे। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहला प्रश्न। उड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। समय आपका शुरू हो गया। उड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में है आपको बताना है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर एक होगा सिरोही। हमारी राजस्थान की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर, इस गुरु शिखर के जस्ट नीचे जो पठार है वो पठार उड़िया का पठार है। इसकी औसत ऊंचाई 1360 मीटर है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टंगस्टन का उत्पादन निम्न में से कहाँ की खदान में होता है? दोस्तों, टंगस्टन का उत्पादन निम्न में से कहाँ की खदान में होता है? डेगाना, गुजरवाड़ा, बांदरसिंदरी, देवड़ा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं टंगस्टन के बारे में। चलिए दोस्तों, फटाफट इस क्वेश्चन का उत्तर बताइए। समय आपका पूरा हुआ। दोस्तों, नागौर के डेगाना में टंगस्टन का उत्पादन होता है। टंगस्टन, जिसको हम प्रतीक के रूप में ऐसे लिखते हैं, इसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 3422 डिग्री सेंटीग्रेड। इस वजह से इसे विद्युत बल्ब में तंतु बनाने के लिए काम में लिया जाता है। दोस्तों, राजस्थान में नागौर के डीडवाना, पाली के नाना कराब और सिरोही के आबू और रेवदार क्षेत्र में और वालदा क्षेत्र में ये पाया जाता है। अगला प्रश्न है, करक रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, उत्तर, दक्षिण, मध्य, पूर्व। करक रेखा कहाँ से गुजरती है आपको बताना है। चलिए दोस्तों, समय आपका पूरा हुआ। बात करक रेखा की चल रही है। दोस्तों, करक रेखा राजस्थान के दक्षिण में गुजरती है। यूँ बात कर सकते हैं, ये आपका दक्षिणी राजस्थान, ये आपका बांसवाड़ा, ये डूंगरपुर, ऐसे गुजरती है। दोस्तों, लगभग 85 किलोमीटर इसकी लंबाई है हमारे राजस्थान में। दोस्तों, इस करक रेखा से ऊपर का भूभाग है अधिकांश राजस्थान, जो उपोषण कटिबंध में आता है, जबकि नीचे वाला जो है 23.5 से नीचे का, उसको हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। दोस्तों, बांसवाड़ा शहर करक रेखा के सबसे नज़दीक स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तख्त सागर। दोस्तों, तख्त सागर नामक जल काय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जोधपुर, जयपुर, जालौर, झुंझुनू। तख्त सागर के बारे में आपको बताना है। चलिए, समय आपका पूरा होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर एक। दोस्तों, 1857 की क्रांति के बाद राजस्थान में, यानी यूँ कह सकते हैं कि 1857 की जब क्रांति हुई तो उस दौरान भी जोधपुर के राजा कौन थे? तख्त सिंह। तो उनके नाम से यहाँ पर एक जलकाय जलाशय बना हुआ है जोधपुर में, तख्त सागर। दोस्तों, जोधपुर के अंदर गांगेलाव तालाब है, बाईजी का तालाब भी है, बालसमंद झील है, उम्मेद सागर है, सूर सागर तालाब है, कायलाना झील है और एक इम्पॉर्टेंट और, वो है तुरजी का झालरा। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तुरजी का झालरा, ये एक बावड़ी है
दोस्तों ऐतिहासिक बावड़ी है तुर्जी का झालरा जोधपुर में है। इस पर 2017 में डाक टिकट जारी हुई। और एक है पिचियाक बांध, जो कि पिचियाक गांव में है, जिसको हम जसवंत सागर बांध भी कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, मृत नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी गई है? समय आपका शुरू कर देता हूँ। कातली, काकनी, साबी, घग्गर, इनमें से कौन सी नदी है जो मृत नदी के नाम से जानी जाती है? चलिए दोस्तों समय पूरा हुआ, घग्गर उत्तर होगा। हिमाचल प्रदेश के शिवालिक की पहाड़ी से घग्गर नदी का उद्गम होता है। राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ के तलवाड़ा नामक शहर में ये प्रवेश करती है। दोस्तों इसका पार्ट हनुमानगढ़ के शहर से या हनुमानगढ़ शहर से ऊंचा होने के कारण बाढ़ जब आती है तो हनुमानगढ़ शहर लबालब हो जाता है। आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है राजस्थान की। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, चलिए, कौन सा अभयारण्य चूरू जिले में स्थित है? घना अभयारण्य, सज्जनगढ़, शेरगढ़, तालछापर। दोस्तों कौन सा अभयारण्य चूरू जिले में है आपको बताना है, फटाफट बताइए। समय आपका पूरा हुआ, इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 तालछापर होगा। तालछापर अभयारण्य चूरू के सुजानगढ़ तहसील में है। दोस्तों काले हिरण यानी कृष्ण मृग के लिए यह जानी जाती है तालछापर। और यहाँ पर कुर्जा, सर्दी के समय कुर्जा आती है, डोमोसाइल क्रेन भी आती है, तो यह है तालछापर। दोस्तों सज्जनगढ़ उदयपुर में है। गाना यानी घना पक्षी अभयारण्य केवलादेव है, कुर्ज और शेरगढ़ बारा में है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए शहर की जनसंख्या सीमा क्या होनी चाहिए? दोस्तों नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए शहर की जनसंख्या के बारे में पूछ रहा है। 1 लाख से अधिक, 3 लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक, 4 लाख से अधिक, नगर निगम के बारे में आपको बताना है। एक नगर निगम के लिए कितनी जनसंख्या अनिवार्य है? समय पूरा हुआ दोस्तों, 5 लाख से अधिक। आपको 3 चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, एक नगर पालिका, एक नगर परिषद, एक नगर निगम। दोस्तों नगर पालिका के अंदर न्यूनतम 20,000 संख्या, अधिकतम 1 लाख, याद रखना है। नगर परिषद में न्यूनतम 1 लाख, अधिकतम 5 लाख। नगर निगम में 5 लाख कम से कम, अधिकतम आप कितना भी हो जाए, 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख। ओके दोस्तों, हमारे राजस्थान में वर्तमान में 10 नगर निगम है, वेरी इंपॉर्टेंट। नवंबर 2017 में जयपुर में 2, जोधपुर में 2, कोटा में 2 नगर निगम बना दिए गए। वर्तमान में नगर निगम कितने हैं? 10। आपको याद रखना है, जयपुर के दोनों नगर निगम जो है इनका प्रशासक नियुक्त हुआ है विजयपाल सिंह। कौन? वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ दोस्तों, ये बात रट लेना, मैं गारंटी लेता हूँ आपके राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन बनेगा, ये पक्का बनेगा। अभी जो बोल रहा हूँ ये रट लो दोस्तों। जयपुर, जोधपुर और कोटा में 2-2 नगर निगम हो चुके हैं नवंबर 2019 में। जयपुर नगर निगम, जिसमें एक तो जयपुर हेरिटेज है, दूसरा नगर निगम है, दोनों के लिए एक ही प्रशासक नियुक्त हुआ है, उसका नाम है विजयपाल सिंह। दोस्तों जोधपुर के अंदर उत्तर दक्षिण 2 नगर निगम हैं, सुरेश ओड़ा, प्रशासक कौन है? सुरेश ओड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरा है कोटा। कोटा के अंदर बात करें तो कोटा उत्तर और दक्षिण नगर निगम, वासुदेव मालावत, इसका प्रशासक कौन है? वासुदेव मालावत, रट लेना। कोटा का तो कौन? वासुदेव मालावत। जोधपुर का कौन है? सुरेश ओड़ा। जयपुर का विजयपाल सिंह। राजस्थान में नगर निगम कितने? 10। नगर पालिका कितनी? 152। और नगर परिषद कितनी? 34। टोटल कितने हो गए? 196। रट लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान वित्त कॉरपोरेशन RFC की स्थापना किस वर्ष की गई? देखते हैं सबसे पहले जवाब कौन देता है, फटाफट बताओ भाई, वेरी गुड, शाबाश। वित्त कॉरपोरेशन, दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 होगा। राजस्थान वित्त कॉरपोरेशन RFC का गठन 1955 में किया गया। राजस्थान में लघु और मध्यम जो उद्योग है, इन उद्योगों को वित्तीय सहायता अर्थात दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने का मुख्य कार्य किसका है? राजस्थान वित्त निगम का है, राजस्थान वित्त कॉरपोरेशन का। चलिए दोस्तों क्वेश्चन पूरा, राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ स्थित है? एक आसान सा क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, चलिए बताइए फटाफट, राजस्थान की कुबड़ पट्टी, वेरी गुड, शाबाश। चलिए समय पूरा हुआ दोस्तों, नागौर और अजमेर को क्या कहते हैं? कुबड़ पट्टी।
कुबड़ पट्टी को दोस्तों बांका पट्टी भी कहते हैं। कई बार बांका पट्टी पूछ लिया जाता है। बांका पट्टी, बांका पट्टी कहाँ है? अजमेर नागौर। बांका पट्टी का रीज़न है दोस्तों, यहाँ का जो पानी है उस पानी में क्या है? फ्लोराइड। पानी में कितना है, क्या है? फ्लोराइड। दोस्तों जब फ्लोराइड की मात्रा 1 लीटर में 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से यदि अधिक हो जाए, 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक हो जाए तो फ्लोरोसिस हो जाता है, रोग, जिसे हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, मुड़ जाती है। दोस्तों हड्डियां कमज़ोर होने से, लचीली होने से रीढ़ की हड्डी का कुबड़ सा बन जाता है। इसलिए यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं, 50 ग्रामीण क्या शहरी, जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर हो गई, वो सारे के सारे कुबड़ पट्टी दिखने लग जाती है। दोस्तों याद रखना है, फ्लोराइड की मात्रा 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये जो अभी पेपर हुआ था, इस पेपर में कम क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने दो पेपर कंबाइंड किए हैं। कर सहायक का पेपर था, उसके क्वेश्चन पूरे हो गए। अब पेपर शुरू किया है मैंने पीटीआई का, दोनों में मिलाकर के दोस्तों 25 क्वेश्चन हो रहे हैं ज्योग्राफी के। मैंने सोचा कि क्वेश्चन भी अधिकतम विद्यार्थियों को मिले, इसलिए दोनों पेपर को कंबाइंड कर दिया। दोस्तों कर सहायक के प्रश्न हो गए हैं, अब मैं पीटीआई के ज्योग्राफी के जो भी पेपर है, क्वेश्चन है, वो शुरू कर रहा हूँ। दोस्तों पीटीआई का पेपर 2018, इसमें भूगोल के जो प्रश्न है वो देखेंगे। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतर कितना है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, एकदम आसान क्वेश्चन। राजस्थान का पश्चिम से पूर्वी देशांतर विस्तार आपको बताना है। चलिए दोस्तों समय आपका पूरा हुआ। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर क्या होगा दोस्तों? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर से 78 डिग्री पूर्व 17 मिनट पूर्वी देशांतर, अर्थात देशांतरीय विस्तार कितना हुआ? 8 डिग्री 47 मिनट। ये तो है देशांतर। दोस्तों अक्षांश की बात करें तो उत्तर से दक्षिण, अर्थात यहाँ है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। दोस्तों ये अक्षांशीय विस्तार है, और अक्षांशीय विस्तार है 7 डिग्री 9 मिनट का। चलिए अगला क्वेश्चन। दक्षिणी राजस्थान में स्लेश बर्न कृषि को किस नाम से जाना जाता है? कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। दोस्तों इसके पीछे रीजन है, इसके ऑप्शन प्रिंगा, वात्रा, झुम्मिंग, देपा। यहाँ वात्रा न लिख करके वादरा लिखना चाहिए था, लेकिन इसने वात्रा लिखा, इस वजह से ये क्वेश्चन डिलीट हुआ। दोस्तों स्लेश और बर्न। दक्षिणी राजस्थान में स्थानांतरित खेती होती है, जनजातियों के द्वारा की जाती है, भील जनजाति मुख्यतः करते हैं स्थानांतरित खेती। इसे झूमिंग कृषि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? झूमिंग कृषि। इसे वालरा कृषि भी कहते हैं, इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, इसे बर्न और स्लेश कृषि भी कहते हैं। दोस्तों दक्षिणी राजस्थान में हमारे यहाँ जो खेती होती है, ये इसको वालरा कहते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है वालरा। जबकि ये खेती यदि पहाड़ों पे हो तो इसे चीमाता कहते हैं, और यदि मैदानों पे हो तो इसे दजिया कहते हैं। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन पूरा हुआ। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसको दी गई? चार ऑप्शन आपके सामने, ऊर्जा, सिंचाई, ग्रामीण विकास, उद्योग। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक वरीयता किसको दी गई? समय पूरा हुआ। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर एक होगा, ऊर्जा को। दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना में भी सर्वाधिक ऊर्जा को दी गई वरीयता, 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी ऊर्जा को वरीयता दी गई। दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 था, 2017 में 12वीं पंचवर्षीय योजना पूरी हो गई 31 मार्च 2017 को। अब 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2032 तक 15 साल का एक विज़न डॉक्यूमेंट तैयार किया है, यानी पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई। 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2032 तक 15 साल का एक विज़न डॉक्यूमेंट तैयार किया है केंद्रीय योजना आयोग ने। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बन गया, नीति आयोग ने। दोस्तों ये जो 15 साल का विज़न डॉक्यूमेंट है, जिसका नाम विज़न डॉक्यूमेंट या दृष्टि पत्र है, इसको दो भागों में बांटा है। शुरू के तीन साल यानी 2017 से 2020 तक एक्शन प्लान के नाम से जाना जाएगा। 2000 फिर आपका 7 साल का कार्यकाल, उसको बोलेंगे स्ट्रेटेजी पेपर, और उसके बाद में ये 15 साल का विज़न डॉक्यूमेंट। दोस्तों ये तीनों इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी बतानी है। दोस्तों
आबादी की साक्षरता दर कितनी है। चलिए दोस्तों समय आपका शुरू कर देता हूँ। राजस्थान की ग्रामीण और शहरी साक्षरता दर आप बताना है आपको। चलिए समय आपका पूरा हुआ दोस्तों। यहाँ पर आपको याद रखना है उत्तर नंबर एक, राजस्थान की ग्रामीण साक्षरता दर 61.44%, जबकि शहरी है 79.68%। जबकि राजस्थान की साक्षरता दर 66.11% है। दोस्तों राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर 79.2% है, जबकि महिला साक्षरता दर 52.1 है। अगला प्रश्न दोस्तों, एक कहावत सुनी है आपने, भुआ जाऊं जाऊं और फूफो जी लेबा आ गया। अर्थात ये क्वेश्चन जो मैंने आपसे कल पूछा था आज आपके सामने है। कल यही क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान का लिंगानुपात कितना है। बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे थे 926, अब उनको पता चल गया होगा कितना है। चलिए दोस्तों समय आपका शुरू कर देता हूँ। राजस्थान में 2011 के औसत लिंगानुपात 928 से कम लिंगानुपात वाले ज़िलों की संख्या, इतना ज़बरदस्त और बहुत ही बेहतरीन किस्म का क्वेश्चन। राजस्थान का लिंगानुपात 928 है, 928 से कम लिंगानुपात वाले ज़िलों की संख्या कितनी है, 15, याद रखना है ओके। और अधिकतम कितने हैं तो आप जान गए होंगे, 18 ज़िले हो गए, 15 × 30 33 ज़िले हैं ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन गलत है जो आपको छांट करके बताना है। देखते हैं सबसे पहले जवाब कौन देता है। चलिए दोस्तों वेरी गुड, शाबाश, इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर एक होगा। दोस्तों सालर के वृक्ष बाड़मेर में नहीं मिलते, बाड़मेर पश्चिमी राजस्थान में मरुद्भिद झाड़ी वगैरह मिलती है। दोस्तों सालर का वृक्ष जो है उदयपुर में, राजसमंद में, चित्तौड़, सिरोही, पाली, अजमेर, अलवर आदि ज़िलों में पाया जाता है। सदाबहार वन माउंट आबू मिलते हैं, शुष्क मरुद्भिद जैसलमेर में विश्रुप और मिश्रित पतझड़ कोटा में। चलिए दोस्तों सालर वृक्ष की बात कर रहे थे। सालर वृक्ष एक मानसूनी वन है, चौड़ी पत्ती वाला वन है और गोंद का अच्छा स्रोत माना जाता है। क्वेश्चन आया हुआ है गोंद का सर्वोच्च स्रोत सालर, और एक बार क्वेश्चन आया था कर्मचारी चयन बोर्ड का कि सालर कितनी ऊंचाई वाली पहाड़ियों पे मिलता है, तो 450 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर सालर वृक्ष पाया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मेरवाड़ा पहाड़ियाँ निम्नलिखित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उप विभाजन है। अलवर की पहाड़ियाँ, मध्य अरावली की पहाड़ी, मेवाड़ी चट्टान, आबू पर्वत। दोस्तों मेरवाड़ा पहाड़ी किस भौतिक उप इकाइयों का भाग है, में से किसका उप विभाजन है। दोस्तों मध्य अरावली, मध्य अरावली का ही उप विभाग है अजमेर मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। दोस्तों अजमेर मेरवाड़ा की सबसे ऊंची चोटी तारागढ़ है 830 मीटर की। आपको याद होगा राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है, जबकि सबसे कम कहाँ है, अजमेर में। अगला प्रश्न, थार्नवेट जलवायु वर्गीकरण। दोस्तों कुछ स्टूडेंट कमेंट्स में लिख रहे थे कि सर थार्नवेट वाला एक बार पुनः बताओ, तो आपकी किस्मत अच्छी है कि थार्नवेट का क्वेश्चन भी आ गया। थार्नवेट वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश में आया जाता है। दोस्तों थार्नवेट जलवायु के अनुसार राजस्थान का किस जलवायु प्रदेश में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है। चलिए दोस्तों समय आपका शुरू कर देता हूँ। थार्नवेट जलवायु के अनुसार, वर्गीकरण के अनुसार अधिकांश जलवायु प्रदेश में कौन सा जलवायु आता है, अर्थात इसका क्वेश्चन का उत्तर होगा DAW। दोस्तों ये एक डायग्राम बनाता हूँ राजस्थान का, एकदम आसान, ये राजस्थान का डायग्राम ऐसा बना देते हैं ओके। दोस्तों एक भाग यहाँ बांट दिया, एक यहाँ और एक यहाँ। अब आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा भाग कौन सा है, ये वाला, ये पूरा, इसको ही बोलते हैं DAW ओके। DAW उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश, ये ऊपर वाला है गंगानगर, हनुमानगढ़, थोड़ा चूरू, थोड़ा बीकानेर, इसको बोलते हैं DBW। ये पश्चिम वाला है ना, ये जब बाड़मेर, जैसलमेर, थोड़ा जोधपुर, थोड़ा आधा बीकानेर, इसको बोलते हैं EAD। बच गया दक्षिण वाला CA, जो W है ना CAW, ये दक्षिण में, दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में ओके। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो नगर समुच्चय लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है
वो आपको जिलों का समुच्चय छांटना है। समय आपका शुरू कर देता हूँ, देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है। जो नगर समुच्चय लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों, समय आपका पूरा हुआ। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, देखो दोस्तों वैसे ये क्वेश्चन डिलीट किया है कर्मचारी चयन बोर्ड ने, क्या कर दिया इस क्वेश्चन को, डिलीट। अब मैं आपको सारी बातें बता देता हूँ दोस्तों। उदयपुर पहले ऑप्शन में सब में सही है, उदयपुर और सवाई माधोपुर भी है। देखो सवाई माधोपुर, तो जिनमें उदयपुर और सवाई माधोपुर है वो ऑप्शन सही है अभी तक। तो इसका मतलब चार नंबर डिलीट कर दो, बच गए तीन ऑप्शन। दोस्तों उदयपुर और सवाई माधोपुर में लकड़ी के खिलौने प्रसिद्ध है, जबकि यहाँ तक कोई बात दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत इन तीनों में है। चलिए दोस्तों, जोधपुर में लकड़ी के झूले मिलते हैं, झूले कहाँ मिलते हैं जोधपुर में। बाड़मेर में लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर मिलता है, जैसलमेर में कुछ नहीं मिलता। अब हमारे पास में बच गए ऊपर वाले दो ऑप्शन। जोधपुर में देखो, उदयपुर सवाई माधोपुर में तो लकड़ी के खिलौने पक्का है, जोधपुर में क्या है, हाँ जी जोधपुर में है लकड़ी का झूला और लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर बाड़मेर में, इस वजह से ये क्वेश्चन डिलीट हुआ है। ओके चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों के समूह में से किसमें 2011 के जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंकित किया गया है, यानी वे तीन जिले जिनमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वो आपको बताना है। सबसे कम किसका है, फिर ज़्यादा, यानी आरोही क्रम बताना है, बढ़ता क्रम बताना है। समय आपका शुरू हो गया, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। चलिए दोस्तों, वेरी गुड शाबाश, समय आपका पूरा हुआ। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर क्या होगा, जैसलमेर। देखो दोस्तों, जैसलमेर का 17 है, जैसलमेर का 17 घनत्व है, बीकानेर का 78 है और बाड़मेर का 92 है। हमारा उत्तर नंबर एक होगा। ओके दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस नदी से धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना को पानी मिलेगा। चार ऑप्शन आपके सामने, धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना को बनास, पार्वती, चंबल, बाणगंगा, इन चारों में से कहाँ से पानी मिलेगा आपको याद बताना है। दोस्तों चंबल नदी से, चंबल नदी के बाईं ओर से एक लिफ्ट परियोजना निकाली गई है 2017-18 में, जिसका नाम है धौलपुर लिफ्ट परियोजना। दोस्तों राजस्थान में स्काडा पद्धति, पूर्णतः कंप्यूटर आधारित पद्धति के तहत यह लिफ्ट सिंचाई परियोजना चलेगी, जबकि कल मैंने आपको बांध बताया था और आज आपको मैंने सिंचाई परियोजना बता दी है जो स्काडा पद्धति पर होगी। बांध तो बिसलपुर और सिंचाई पद्धति कौन होगी, परियोजना धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना। दोस्तों इसके द्वारा केवल और केवल धौलपुर जिले के क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान का पहला जैविक कृषि जिला बांसवाड़ा, पाली, डूंगरपुर, उदयपुर, पहला जैविक कृषि जिला कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों समय पूरा हुआ, उत्तर नंबर तीन होगा डूंगरपुर। दोस्तों डूंगरपुर राजस्थान का पहला जैविक जिला है और यहाँ पर जैविक मंडी भी स्थापित हो चुकी है। जैविक मंडी कहाँ है, डूंगरपुर में। अब हम बात करेंगे दोस्तों झालावाड़ की। दोस्तों झालावाड़ को भी जैविक खेती के लिए विकसित किया जा रहा है। देश का पहला जैविक खेती अनुसंधान केंद्र अर्थात सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जैविक खेती के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है, झालावाड़ में, और इसकी घोषणा कब हुई थी, 2017 में। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन से राज्य ने लखवाड़ डैम परियोजना, दोस्तों लखवाड़ डैम परियोजना पर हस्ताक्षर नहीं किए, आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों। वेरी गुड शाबाश, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का उत्तर तीन नंबर होगा, पंजाब। दोस्तों लखवाड़ डैम परियोजना, लखवाड़ बांध यमुना नदी पर, सबसे पहले याद करो यमुना नदी पर, और कहाँ, उत्तराखंड में। दोस्तों उत्तराखंड में लखवाड़ नामक जगह पर यमुना नदी पर एक बांध बनाया जा रहा है जिसका नाम है लखवाड़ डैम। इसकी ऊंचाई रखी गई है 204 मीटर और ये बांध बनेगा। इस बांध के माध्यम से देश के छः जिलों में यमुना नदी का पानी मिल सकेगा, यमुना नदी का,
ये जो छह दोस्तों देश के छह राज्य कौन कौन से हैं, नंबर एक उत्तराखंड, नंबर दो राजस्थान, नंबर तीन हरियाणा, तीन हो गए। उसके बाद में है दिल्ली, चार हो गए, एचपी हिमाचल प्रदेश पाँच, और यूपी छः। ये छः राज्य है, ध्यान रहे पंजाब नहीं है, लखवाड़ परियोजना में पंजाब नहीं है, क्योंकि पंजाब को आपका क्षेत्र इस लखवाड़ डैम या यमुना नदी वाले इलाके में आता ही नहीं। ये छः जो स्टेट है इनके बीच में समझौता हुआ है लखवाड़ परियोजना को लेकर। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, लखवाड़ परियोजना के माध्यम से सभी राज्यों को, केवल दिल्ली को छोड़कर सभी राज्यों को पेयजल और सिंचाई मिलेगी, और दिल्ली को केवल और केवल पेयजल मिलेगा। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी क्वेश्चन, कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? दोस्तों ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन सा है ये आपको बताना है, चार ऑप्शन आपके सामने। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन सा है? समय आपका पूरा हुआ दोस्तों, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा कोयला। परंपरागत तरीके से हम जो ऊर्जा संसाधन काम में लेते हैं वो कोयला है, जबकि गैर परंपरागत यानी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, बायोमेस, बायोगैस, बायोमास, है ना, ये सभी के सभी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत यानी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, जबकि परंपरागत ऊर्जा स्रोत में कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल, है ना, ये सभी आते हैं। चलिए दोस्तों ये पेपर पूरा हुआ, अब हम बात करने वाले हैं कल के क्वेश्चन की। दोस्तों कल रात को 9:15 पर मैंने राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा था। मैंने प्रश्न पूछा था कि राजस्थान का लिंगानुपात बताना है आपको। बहुत सारे स्टूडेंट ने 926 भी बताया, बहुत सारे स्टूडेंट ने 928 भी बताया। दोस्तों ये अनंतिम था, जबकि अंतिम 928 है। आपको 928 याद रखना है, 928 ही है लिंगानुपात। दोस्तों राजस्थान का लिंगानुपात 928 है, और 0 से 6 आयु का लिंगानुपात 888 है। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर का 994 है। उसके बाद में आता है राजसमंद 990, सबसे कम लिंगानुपात हमारे धौलपुर का है 846। राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो 933 है, शहरी लिंगानुपात की बात करें तो 914 है। दोस्तों यदि ग्रामीण इलाके में या ग्रामीण राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो पाली है, ग्रामीण इलाकों में सर्वाधिक पाली का है 1003, जबकि शहरी इलाकों में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात की बात करें तो टोंक का है, शहरी इलाकों में टोंक 985। चलिए दोस्तों ये लिंगानुपात का क्वेश्चन था, पूरा हुआ। इस क्वेश्चन का जवाब फेसबुक पेज पर भी बहुत सारे लोगों ने दिया, और लाइव वीडियो के दौरान भी बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका जवाब दिया। लेकिन मैंने आपसे एक बात कही थी कि लाइव सेशन तुरंत ख़त्म हो जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए, इस क्वेश्चन का जो भी चैलेंजिंग प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर आपको गुरु ज्ञान पब्लिकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल पर जाना चाहिए, यानी टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ जाकर के गुरु ज्ञान पब्लिकेशन लिखिए। जैसे ये ग्रुप खुलेगा उस ग्रुप में आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना होता है, चैलेंजिंग प्रश्न का। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आज सारे के सारे विद्यार्थी उस ग्रुप में जाकर के उत्तर देंगे, और कल जिन स्टूडेंट ने उत्तर दिया उनके नाम मैं लेना चाहूँगा, उनको मैं शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। आशीष शर्मा, प्रवीण कुमार, अशोक कुमार, निशा यादव, अनिल राठी, सुरजीत खोसा, संदीप जाट, अशोक मीणा, शिवराज सिसोदिया, और भूमिका शर्मा, अनिता जैन, दिलीप झाला, हनुमान कस्वां, संदीप कुमार, हंसा देवी, पूजा शर्मा, रवि रोहिला, शाहरुख खान, सुरेश दैया, बंसी पुनिया, अमराराम बिश्नोई, नंदलाल गुर्जर, और कृष्णा प्रजापत, लाजू शेखावत, आदित्य सारस्वत, आप सभी ने प्रश्न का जवाब देने की कोशिश की। आप सभी को मेरी ओर से कोटि कोटि शुभकामनाएं, बधाई। दोस्तों आज का जो प्रश्न है, प्रश्न मैं पूछना चाह रहा हूं, जिसका जवाब आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर के ही देना है। टेलीग्राम चैनल गुरु ज्ञान पब्लिकेशन के नाम से आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। दोस्तों आज का मेरा क्वेश्चन है, राजस्थान का सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग का मंत्री कौन है? राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री कौन है? दोबारा सुन लें, राजस्थान में
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री कौन है, फटाफट आपको कमेंट्स बॉक्स में वहाँ बताना है। इंतज़ार करूँगा आपके उत्तर का। आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। शाम को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।